हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है इस बारे में डिस्कशन किया था। हमने ये देखा था कि जब एक प्रिज्म से कोई सी लाइट रे पास होती है तो वहाँ पे लेटरल शिफ्ट की बजाय डेविएशन क्रिएट होता है। लेटरल शिफ्ट हमने रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए देखा था। जब आप एक ग्लास स्लैब यूज़ करते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। उसमें हमने देखा था कि जब लाइट रे पास होती है तो दो सरफेसेस पे जब रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पे लेटरल शिफ्टिंग होती है, लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो इसीलिए प्रिज्म के बारे में जब हमने देखा तो प्रिज्म में हमने देखा कि वहां पे लेटरल शिफ्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, वहां पे सीधा सीधा डेविएशन होता है, लाइट रे की डायरेक्शन बदल जाती है। तो है दोनों भले ही स्लैब, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है और एक प्रिज्म के शेप में है, ट्राइंगुलर शेप का है, लेकिन फिर भी दोनों में यहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है। फिर न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। न्यूटन ने एक स्लैब लिया प्रिज्म के शेप का, एक प्रिज्म लिया, एक ग्लास प्रिज्म। इस ग्लास प्रिज्म के सामने एक व्हाइट कलर की स्क्रीन लगा दी और एक शीट लिया, एक पेपर का। ये स्क्रीन क्या है? स्क्रीन इज बेसिकली अ शीट ऑफ पेपर या फिर कोई व्हाइट कलर का कपड़ा, दैट इज अ स्क्रीन। जो आप सिनेमा में देखते हैं, जो स्क्रीन दिखती है, पर्दा जिसे बोलते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट अ स्क्रीन ऑफ प्लास्टिक। वो एक प्लास्टिक की व्हाइट कलर की स्क्रीन होती है, एक शीट होती है। उस शीट पे जब प्रोजेक्टर से इमेज डालते हैं तो शीट पे हमें वो इमेज बड़े फॉर्म में दिखाई देती है। उसी तरह से यहाँ पे न्यूटन ने क्या करा, एक कागज की शीट ले ली व्हाइट कलर की, जो A4 साइज पेपर आप यूज करते हैं, जो प्रिंटिंग या फोटोकॉपी के लिए यूज होता है, वो वाला पेपर ऐसा सामने रख दिया और इस तरफ से उसने सनलाइट पास करवाई। उसने सनलाइट के सामने इस प्रिज्म को कर दिया और एक तरफ इसने एक ऐसा शीट ऑफ पेपर रख दिया। तो उसने देखा कि जब वो यहां से सनलाइट की रे पास करवाता है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ए बी सरफेस पे उसने सनलाइट की एक रे इंसिडेंट करवाई, फिर इसमें रिफ्रैक्शन क्रिएट हुआ और फिर यहाँ पे वापस से रिफ्रैक्शन क्रिएट हुआ। तो इस सनलाइट को जाके कुछ इस तरह से यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए, ऐसा एक रे निकाली सनलाइट की, दिस इज सनलाइट। अब उसने ये सिंगल रे ऑब्टेन कैसे करी? सन से जो लाइट आती है वो तो बल्क में आती है, बहुत सारी रेज एक साथ आती हैं, आपको कभी एक रे ऐसी पतली सी जाती हुई नहीं दिखाई देती। तो उसने क्या करा, उसने ऐसा एक शीट और लिया, एक इस तरह का शीट लिया। इस शीट में एक छोटा सा होल कर दिया बीच में, जैसा पेन घुसा के आपने एक छोटा सा होल कर दिया, और इस शीट को सनलाइट के सामने किया। तो अब क्योंकि ये एक वाइट शीट है, पेपर है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो इस तरफ जब इस पे लाइट सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन इस छेद से सनलाइट पास हो जाएगी। तो जब आप इस छेद के आर पार देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि इस शीट से हमने सन की एक रे को बना लिया, एक बहुत पतला सा, एक छोटा सा छेद कर लिया, एक रिफिल जितना लेंथ होता है, जितना डायमीटर रिफिल का होता है, उतना बड़ा एक छेद कर लिया ऐसा अंदर से। नाउ इस छेद से उसने इस तरह की एक बीम ऑफ लाइट बनाई, एक सनलाइट की एक बीम बनाई और उस बीम को इंसिडेंट करवाया। इंसिडेंट करवाने के बाद इसको कुछ इस तरह से पास होके यहाँ पे एक और स्पॉट देना चाहिए, इतना ही बड़ा, क्योंकि जितनी सनलाइट इसके अंदर जा रही है उतनी इमर्ज हो रही है, दिस इज द इमर्जेंट रे एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। तो न्यूटन ने देखा कि ये जो बीम ऐसी दिखनी चाहिए, इतने साइज की दिखनी चाहिए, वो ऐसी नहीं दिख रही। न्यूटन फाउंड कि यहाँ पे जब इमर्ज होती है लाइट, इमर्जेंट रे निकलती है, तो वो एक सिंगल रे नहीं निकलती, इट्स अ बंच ऑफ सेवन डिफरेंट कलर्स। यहां से जो रे निकली, इट्स अ बंच ऑफ सेवन डिफरेंट कलर्स, और उन कलर्स की अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे नीचे उसको वायलेट कलर दिखाई दिया, देन आई दैट इज इंडिगो, देन
ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। न्यूटन को कुछ इस फॉर्म में कलर्स यहां से निकलते हुए दिखाई दिए। जब उसने सनलाइट को इस पर इंसिडेंट करवाया तो सनलाइट प्रिज्म से पास होने के बाद इस तरह से डिस्पर्स हो गई, बिखर गई और इस तरह से 7 कलर्स मुझे इस शीट पे दिखने लगे। सो न्यूटन ने कहा दिस इज बेसिकली डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हम कहेंगे कि प्रिज्म से पास होने पे ये सनलाइट डिस्पर्स हो गई, ये बिखर गई। और सनलाइट कैसी होती है? सनलाइट इज बेसिकली नोन एज व्हाइट लाइट। सनलाइट को हम व्हाइट लाइट भी कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि सन तो येलो कलर का दिखता है, येलो कलर की लाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। सन से जो लाइट निकलती है दैट इज व्हाइट इन कलर, वो व्हाइट कलर की लाइट होती है, वो हमें दिखती येलो कलर की है। वो येलो कलर की क्यों दिखती है हम उसे थोड़े समय बाद समझेंगे। फॉर टाइम बीइंग अब जस्ट मान लेते हैं कि दिस इज सनलाइट विच इज व्हाइट लाइट। इसको व्हाइट लाइट भी कहा जाता है और इसको पास करने पे इस तरह से 7 अलग कलर का एक बैंड हमें इस पे मिलता है। दिस इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 अलग रंगों का एक बैंड यहां पे दिखाई देता है। ये 7 कलर कुछ इस सीक्वेंस में दिखते हैं V, I, B, G, Y, O और R। सबसे नीचे जो कलर दिखता है दिस कलर इज वायोलेट। इसके थोड़ा सा ऊपर जो दिखता है वो है इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड। न्यूटन को कुछ इस तरह से 7 अलग रंग दिखाई दिए कि एक लाइट जो कि व्हाइट कलर की दिख रही थी प्रिज्म से पास करने से अचानक ऐसा क्या हुआ उसमें कि 7 अलग रंग बन गए। वो 7 कलर्स में कैसे बिखर गई, कैसे टूट गई या कहें कैसे डिस्पर्स हो गई। सो न्यूटन ने इस पर स्टडी करी और स्टडी करके ये पाया कि लाइट जो होती है, लाइट हमने कहा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है अभी हमें उस पर डिस्कस नहीं करना। वी जस्ट कंसिडर कि लाइट इज अ रे, और अगर लाइट एक रे है तो उसमें क्या होना चाहिए। लेट अस से लाइट इज अ वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब एक वेव तो है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडनल, ऐसी बहुत सारी तरह की वेव्स होती हैं। हमें सिर्फ कंसिडर करना है कि लाइट एक वेव है। अगर लाइट एक वेव है इट मीन्स लाइट के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स? लाइट के पास होगा वेव लेंथ, देन लाइट के पास होगी फ्रीक्वेंसी और लाइट के पास है वेलोसिटी। वेवलेंथ क्या होती है? जब एक वेव ट्रेवल करती है ऐसा तो दो क्रेस्ट जो ऊपर की चीज होती है टॉप और दो ट्रॉफ कोई से भी ले लीजिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। इसको हमने डिस्कस किया है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से कितनी सारी वेव्स पास हो जाएं, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी कैसे समझी? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं और लेट से वहां से हर 15-15 मिनट में बस निकलती है, एक बस आती है फिर चली गई, फिर 15 मिनट बाद दूसरी बस आई चली गई, तो अगर मैं उस बस की फ्रीक्वेंसी बोलूं तो बस की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? हम कहेंगे कि एक घंटे में 4 बार 15-15 मिनट होते हैं, 15 मिनट्स देन 15 मिनट्स देन 15 देन 15। तो ऐसे एक घंटे में जो बस की फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो 4 buses per hour, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बस जो उस बस स्टॉप से निकल रही है। तो उसी तरह से वेव के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स एक सेकंड में पार होती हैं। हर एक लाइट की अलग फ्रीक्वेंसी, अलग वेवलेंथ होती है। हमने कहा था कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स, अलग अलग सोर्स से अलग अलग लाइट बनती है।
जैसे कि ट्यूबलाइट की लाइट अलग होती है, बल्ब की लाइट अलग होती है, सीएफएल की लाइट अलग होती है, सनलाइट अलग होती है, स्टार्स से आने वाली लाइट अलग होती है। इसी तरह से हर तरह की लाइट अपने आप में एक डिफरेंट है और डिफरेंट लाइट्स के पास डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं और उनकी वेलोसिटीज भी डिफरेंट है। वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है अलग अलग मीडियम में। लेकिन अगर हम मीडियम की बात करें तो वैक्यूम जो मीडियम है, वैक्यूम मतलब जहां पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ खाली जगह है, स्पेस है, तो वैक्यूम में सभी प्रकार की लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल करती है। क्या माना हमने? सभी प्रकार की लाइट वैक्यूम में तो सेम स्पीड से ट्रैवल करती है, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है लेकिन सबकी वेलोसिटीज बिल्कुल सेम होगी और वो वेलोसिटी को हमने कहा था सी, विच इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज व्हाट, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, क्योंकि हम मानते हैं कि एयर और वैक्यूम में कोई खास अंतर नहीं है, इसीलिए अगर लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है तो हो सकता है एयर में वो 2.9 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड हो। मतलब कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला, इसीलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा। नाउ अब हमने एक रिलेशन देखा था कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ लाइट किस तरह से रिलेट होती हैं। सो हमने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको वी से डिनोट करते हैं, दिस वी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब ये सी जब हमने लिखा, इट मींस ये फ्रीक्वेंसी कहां की बात हो रही है? ये बात हो रही है वैक्यूम की, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लेट से किसी और मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम कैपिटल वी मान लेते हैं, तो रिलेशन बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कैपिटल वी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। ओके, सो आई विल राइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में अलग अलग लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। जैसे सनलाइट जो आ रही है, सनलाइट की वेलोसिटी हो सकता है पानी में कुछ और हो, और जो आप टॉर्च से लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी पानी में वेलोसिटी हो सकता है कुछ और हो सकता है आप जो कैंडल से लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी स्पीड पानी में कुछ और हो। अलग अलग लाइट्स हैं, अलग अलग सोर्सेस हैं, ट्यूबलाइट की लाइट हो सकता है अलग स्पीड से ट्रेवल करती हो पानी में, लेकिन वैक्यूम में सभी की स्पीड सेम है और वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, सी के बराबर। लेकिन जब मीडियम बदलता है, मीडियम कोई सा भी चेंज होता है, वैक्यूम से लेट से ग्लास हो जाता है या वाटर हो जाता है या केरोसिन या ऑयल कुछ भी होता है, तो उस केस में लाइट की स्पीड बदल जाती है और अलग अलग मीडियम में अलग अलग लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कैंडल की लाइट को इस प्रिज्म से पास करूं तो हवा में तो वो सी की स्पीड से ही चलेगी, लेकिन जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर एंटर होगी उसकी स्पीड बदल जाएगी। उसी तरह से अगर मैं सनलाइट को इस प्रिज्म से पास करूं तो हवा में यहां पे तो उसकी स्पीड इतनी ही होगी, लेकिन जब वो इस प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी तो उसकी स्पीड बदल जाएगी। तो उसी तरह से अगर हम इस रिलेशन को देखें, दिस रिलेशन सेज कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी लाइट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट। हमने फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ क्यों कहा? बिकॉज लाइट इज अ वेव, लाइट एक वेव होती है। सो इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि अगर मुझे किसी लाइट की वेलोसिटी निकालनी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ पता कर लेता हूं, अपने आप वेलोसिटी आ जाएगी, या कहें किसी लाइट की वेवलेंथ निकालनी है
तो मैं वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी पता कर लेता हूँ, अपने आप वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। इनमें से कोई भी दो चीजें दी होंगी तो तीसरी चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात, हमने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म पढ़ी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सो आई विल से व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम, इट्स फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, उसके सिर्फ वेवलेंथ और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो अगर हम इस रिलेशन को ध्यान से देखें, इट सेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो अगर कोई लाइट, लेट्स से कैंडल की लाइट या सनलाइट, हवा से ग्लास में ट्रेवल करती है, तो हम ये समझते हैं कि ग्लास में जब लाइट रे ट्रेवल कर रही है तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक सा फंडा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा था कि लाइट की स्पीड कम हो जाएगी जब वो एयर से ग्लास में एंटर करेगी। तो अगर ये स्पीड कम हो जाती है तो इस वेवलेंथ को भी कम होना पड़ेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी शुड नॉट चेंज। अगर ये चीज बढ़ेगी तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज अ फ्रैक्शन। ये दो, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आपको इसको भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसे कांस्टेंट रखना है। अगर आप इसको घटाएंगे तो इसको भी घटाना पड़ेगा क्योंकि ये इसको कांस्टेंट रखना है। तो इसीलिए जब लाइट रे किसी एक मीडियम से, या कहे सनलाइट एयर से प्रिज्म में ट्रेवल करती है, तो सनलाइट की वेलोसिटी भी कम हो जाती है और उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और हमने ये देखा कि सनलाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो सात अलग कलर मिल जाते हैं, सात अलग कलर की लाइट हमें प्रोड्यूस होकर दिखती है, सात अलग कलर्स की लाइट मिलती है। तो न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो दो तरह की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट। पहली होती है मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट वह होती है विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, और दूसरी होती है पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉलीक्रोमैटिक लाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ्स। पॉलीक्रोमैटिक लाइट में मल्टीपल वेवलेंथ होती है और मोनोक्रोमैटिक लाइट में सिंगल वेवलेंथ होती है। तो न्यूटन ने इन अलग अलग कलर को स्टडी किया, इन लाइट्स को स्टडी किया, और उसने ये पाया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वायोलेट कलर है, ये जो वायोलेट कलर है, इस वायोलेट कलर की फ्रीक्वेंसी होती है 7.5 × 10^14 Hz, और इस रेड कलर की फ्रीक्वेंसी होती है 3.8 × 10^14 Hz।
तो बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। हम देख सकते हैं क्लियरली कि वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है, ऐसा न्यूटन ने स्टडी करके पता किया। प्रैक्टिकल कुछ मेथड लगा के ही फाउंड कि इसका फ्रीक्वेंसी इतना है, इसका फ्रीक्वेंसी इतना है। कैसे पता किया वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। सो हमने देखा कि इस सनलाइट को जब मैंने ब्रेक किया तो वायलेट और रेड कलर की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। अगर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है तो उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट का एग्जाम्पल इज बेसिकली सनलाइट, क्योंकि सनलाइट को प्रिज्म से पास करने पे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट दिखाई देती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सनलाइट इज अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, इट्स अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। सो एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज सनलाइट। देन फिर न्यूटन ने क्या करा, ये जो सात अलग कलर्स मिले थे इन सात कलर को वापस से एक प्रिज्म से पास करके देखा, जैसे कि वायलेट कलर, तो इसके सामने एक और प्रिज्म रख दिया, ये स्क्रीन हटा के एक प्रिज्म और रख दिया, और जब उस प्रिज्म से वापस से इन्हें पास किया सो ही फाउंड कि वायलेट कलर और नहीं बिखरता, ये और अपने इस वायलेट कलर से और ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये कुछ और नहीं बिखरता। जैसे सनलाइट में डिस्पर्जन हुआ वैसा डिस्पर्जन उसे इनमें से किसी भी कलर में देखने को नहीं मिला। सो ही सेड कि ये जो कलर की जो लाइट मिली है, दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट लाइट्स। सो आई विल से दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हमें इस सनलाइट से मिले हैं ये और नहीं बिखरते, इट मीन्स दीज कलर्स आर मोनोक्रोमेटिक कलर्स, दीज आर मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। सो एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यू कैन राइट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ये सभी कलर्स क्या है, मोनोक्रोमेटिक है, ये सिंगल वेवलेंथ है, सिंगल फ्रीक्वेंसीज है, इनको सबको जोड़ दिया तो ये सनलाइट मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि सनलाइट जो है वो पॉलीक्रोमेटिक क्यों है, बिकॉज सनलाइट सात अलग रंगों से मिलकर बनी है। दिस इज वेरी मैजिकल फिनोमिना कि एक वाइट कलर की लाइट सात रंगों से कैसे मिलकर बन सकती है। वाइट कलर तो सिंपल एक वाइट कलर दिखता है, उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सातों रंग मिला दिए, बट ऐसा है। नेचर की ये ब्यूटी है कि नेचर ने इन सभी कलर्स को एक बंच बना के एक वाइट कलर की लाइट बना दी और फाइनली हमें सनलाइट से जो मिलती है वो ये वाइट लाइट मिलती है। तो दिस वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ दीज सेवन कलर्स, ओके। सो दिस इज वेरी मैजिकल थिंग, सो यू कैन नोट दिस।